सिस्टर का नाम प्रभज्योत है और जो तरसिक्के के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही ये है, ये बताते कि इनकी मैरिज को 2 साल से प्लस समा हो चुका है, और जिस समय इनकी मैरिज हुई थी तो ये बताते कि 9 महीने जी अपने मायके में रहे, क्योंकि इनके हस्बैंड इनके बीच में झगड़ा हो चुका था और कोई भी खास बात नहीं थी, कोई नॉर्मली इनके 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 जीवन में कोई बात हो गई, और जिसके कारण जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, इनकी बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी, जिसके कारण की फैमिली काफ़ी परेशान थी, और जी सिस्टर 9 महीने तक अपने मायके में रहे, और जैसे जी सिस्टर बता रहे कि जो फर्स्ट टाइम इस मिनिस्ट्री में आए, और उस समय जो मिनिस्ट्री न्यू थी, और जिस सिस्टर ने संगति में पहली बार जब आए और संगति को सुना, और जिस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही प्रार्थना हो रही थी सबके लिए, सिस्टर ने भी प्रार्थना को रिसीव किया, और उसी दिन इस संगति में जिस सिस्टर ने बताया कि इनके घर से कॉल आई, जिनके हस्बैंड इनके घर से कॉल आई कि इनको लेकर जाना चाहते हैं, तो जैसे जिस सिस्टर ने बताया कि परमेश्वर ने उस दिन से इनके लिए एक रास्ते को खोल दिया, तो परमेश्वर ने इनके पति के मन को, इनकी फैमिली के मन को बदल दिया, और जो डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी, परमेश्वर ने इनके रिश्ते को बचा कर रखा, और जिस सिस्टर बहुत खुश है कि उस दिन से परमेश्वर ने इनको एक न्यू जीवन दिया है, और जो बहुत खुश है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को, हमारे रिश्ते को ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए जी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज ये 2 साल से प्लस समय हो चुका है कि इनके जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, और जो बहुत खुश है अपनी फैमिली में। इस गवाही के लिए भी जी सिस्टर बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। और थर्ड गवाही है, क्या हुआ था, क्या कारण था, क्यों डिवोर्स तक ये बात पहुंच गई थी? आज सीधे देखो कमरे में, क्या मतलब कोई झगड़ा हो गया था आपस में? हाँ जी सर, हाँ जी झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया किस बात का? माइक की आवाज बढ़ सारे कि... कोई इतना ज्यादा बड़ा झगड़ा नहीं थी, नॉर्मली झगड़ा हो गया था, नॉर्मल झगड़ा था, ते माइक की आवाज नहीं है, और ये वाला लेकर हम इन्ना वड्डा झगड़ा नहीं ही, नॉर्मल झगड़ा ही, ते ए लड़ झगड़ के चल गए पहला अपने पे उत्ते पे पिंड, ते मैं इन्हां नूं पहला फोन करदा रहा भी तुसीं आ जाओ, ते ए भी जिद्दां किसे दे मगर लगे होए ही, ए कहिंदे भी नहीं मैं नहीं आउणा, ते फिर इदां ही मैं मेरे मन च भी लोकां ने जिद्दां विचार डालदे भी तेरी घरवाली चंगी नहीं है जां इदां ला लो, इन्हां दे मन च भी डाल, मैं इन्हां दे फोन फान बंद करते, जिन्ने भी इन्हां दे नंबर ही सारे ब्लैकलिस्ट च पाते, ते फिर 9 महीने इदा साडा कोर्ट कचहरिया तक चल गया काम, तलाक दे इन्ना भी लाते पेपर, मैं भी तलाक दे पेपर लाते, ते बाद विच इन्ना आना, ते मैं कहना भी नहीं मैं नहीं हुण तैनूं रखना चाहुंदा, फिर सर चल 9 महीने बाद जदों इन्हां ने मैनूं फोन किया, मैंबरां राहीं गल होई, ते फिर पता नहीं मेरे आप बताओ, ठीक है ओके, इनको दो माइक, दो आप पकड़ो माइक, क्या इस साइड आओ, उस साइड आओ, ये माइकों की भीड़ लगा रहे हो आप, अपना माइक पकड़ो। तो जब आप पहली बार आए चर्च में, कब आए थे? 2019 में, शायद तब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट थी, हाँ जी पापा, तब आप आए पहली बार आए, हाँ जी पापा। जब आप पहली बार आए तो क्या हुआ, आपको कॉल आई इनकी? नहीं। क्या हुआ फिर? पहली यार इत रस्ते विच आन डे सी, तुहानू पता लगे कि इत्थे प्रचार हुंदा, ते फिर मेरी मम्मा नूं लै के आई इत्थे, ते फिर सिस्टरां ने पुछया कि तुसीं फस्ट टाइम आए? हाँ जी फस्ट टाइम आए, फिर मैं अपनी प्रॉब्लम दसी, तो उन्हें कहा तुसीं रिसीव करो, फिर मैं रिसीव किया, तो प्रार्थना सुन के बाद मैं रस्ते च जाण डी, तो मैनूं फोन आ गया कि तैनूं तेरे घर दे फोन करन डे आ मैंबरां दा, कि खड़न वास्ते फोन करन डे आ। हाँ जी पापा। और जब कॉल आई, और ये जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, हाँ जी पापा, और इनके वहाँ से इनके घर से आपको कॉल आई के मेंबरों की, हाँ जी, कि आपको लेने के लिए आ रहे हैं, हाँ जी पापा, और जब कॉल आई तो उस दिन ही आप चले गए? नहीं दिवाली वाले दिन गई सी। कितने दिन बाद गए? टाइम था या 2-4 दिन बाद चले, 2-4 दिन के बाद ही चले गए, हाँ ज्यादा टाइम नहीं है ना जी पापा। और आज आपको पूरे 2 साल हो गए जी पापा, कोई झगड़ा नहीं, हाँ जी, हाँ कोई कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, हाँ जी पापा, जैसे जब इनका झगड़ा हुआ तो
झगड़ा कोई कहते ज्यादा नहीं नॉर्मली, पर शैतान किस हद तक लोगों के मन में नेगेटिविटी से क्या कर देता, उनके रिश्तों को क्या कर देता, खराब कर देता जी। क्या करता है नेगेटिविटी से शैतान क्या करता है, क्योंकि लोगों लोगों ने कहा वो अच्छी नहीं है, वो ऐसी है, ये है, वो है, तो इसका भी मन भर दिया जी बापा। हाँ, आपको पता है शैतान संसार, जो संसार के लोग हैं उनकी बातें जो हैं वो कांटे कांटे की तरह, जैसे प्रेरित बॉल कहता है जी। हाँ, अब सेकंड क्रांतियों पढ़ो ना, तो वहां पे ऐसे प्रेरित बॉल ने कहा कि मुझे एक शैतान का कांटा चुभोया गया। वो कांटा क्या है, लोग हैं जो बातें करते हैं, जैसे इसके मन में लोगों ने बातें डाली और वो बातें शैतान की और वो कांटे की तरह है, इसलिए इनका मन इतना उसने खराब कर दिया कि इन्होंने भी हाँ डिवोर्स के लिए और इन्होंने भी दोनों ने हाँ ना, और पेपर्स बन गए कि हमने अब रहना नहीं है एक दूसरे के साथ, है ना। पर परमेश्वर महान है, देखो ये इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें बस इतना पता था कि यहाँ पे मीटिंग्स होती है और ये फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम ही परमेश्वर ने इनकी सुनी, क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस यहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बोलो क्या है। पर लेने वाले जब उसे लेना जानते, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की ग्रेस नहीं। आप कितनी हर संडे वीरवार बड़ी बड़ी टेस्टिमनी भी सुनते हो, ये छोटी बात नहीं है। हाँ, किसी का घर बर्बाद होने से किसने बचा लिया, किसने, कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। हाँ जी पापा। तो भी उनकी भी लाइफ क्या होनी थी, खराब होनी कि नहीं होनी थी। हाँ, उनकी जिंदगी भी क्या होनी थी, खराब होनी ना। पर परमेश्वर भला है। हाँ, जो चाहता है ना, इसीलिए उसने अपना वचन दिया कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य बचाए जाएं और मेरे सत्य के ज्ञान तक पहुंचे। आमीन। सो इसलिए जो परमेश्वर इनके जीवन में बड़ा काम किया है उस परमेश्वर के लिए और इनके अच्छे, अभी तो कोई झगड़ा नहीं ना, नहीं। अभी प्रेम से हो, खुश हो, खुश हो। आप अपनी गवाही लोगों को बताते हो कि नहीं? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। बताना। हाँ जी सर। हाँ? हाँ जी। ठीक है। और ये इतना टाइम क्यों लगा, इतना इतना समय क्यों लगाया अपने गवाही देने के लिए? वैसे संग दे रहे 10 दिन। लो जी। हाँ जी। कहते वैसे संग दे रहे, आगे से नहीं ऐसा करना। ठीक है। देखो कितना बड़ा खुदा ने काम किया और ये शर्माते रहे, इतने समय तक बताया ही नहीं। पर परमेश्वर महान है। मुझे जब भी कोई मिलता है ना, तो पता नहीं कैसे उनकी मन की छिपी हुई बातें जब मैं बोलता हूं तो अंदर से बाहर आ जाती है। क्या आ जाती है? क्योंकि जब संडे आए तो ये मीटिंग के बाद मुझे मिले, तो मैंने कुछ दो चार बातें इनसे कही और तब इन्होंने ये बात कही। तो मैंने कहा इतना बड़ा काम किया और आप छिपाकर बैठे हो। कहते हैं हमें थोड़ी शर्म आती, शर्माना नहीं, आगे से किसी भी काम के लिए अपनी गवाही सब लोगों को बतानी है। ठीक है। जितनी हम खुदा की प्रेस करते हैं परमेश्वर उतना ही हमें ब्लेस करता है। ठीक है। ओके, इस गवाही के लिए सब जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से।